Gujarat, a former daily wage laborer, Dinesh Goswami, is on a mission to save one of the largest fish in the ocean, the whale shark. पहले के समय में जो फिशरमैन कम्युनिटी है खुद इनका शिकार करके मार्केट में बेचता था, खास करके जो इनकी व्हेल शार्क मछली की फिंच निकाल लो आप, सभी फिंच निकालेगा, दो दो पीछे वाली, ऊपर वाली और साइड वाली, टोटल पांच फिंच हो जाएगा। अगर पांच फिंच को अगर आप मार्केट में बेच देगा तो करीबन 1.5 लाख रुपए आपको आज के जमाने में मिलेगा, क्योंकि उसमें से मेडिसिन बनती है। A chance meeting with renowned documentary filmmaker Mike Pandey turned Dinesh into a full-time conservationist. He has been rescuing this marine giant from the nets of destruction for almost 10 years. अलग अलग बंदरगाह में जाके बताया, फॉरेस्ट वालों को भी बताया कि ये शेड्यूल वन में आती है कि नहीं, देखो बाद में पता चला कि तो शेड्यूल वन स्पीसीज है, तो डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर बहुत अच्छी सोच लगाई और एक पहला जीआर आया कि व्हेल शार्क को बचाना जरूरी है, नहीं तो व्हेल शार्क सी में से खत्म हो जाएगी। Dinesh's efforts have catapulted him into a league of extraordinary environmentalists. His extensive knowledge is a result of 411 rescues that he has carried out till date. खास करके तो जब पहला रेस्क्यू था तो एक्चुअली हमें भी पता नहीं थी कि हम लोग कैसे व्हेल शार्क का नेट काटेगा, खास करके जब नेट के अंदर फंसी हुई व्हेल शार्क गोल गोल घूमेगी, अपनी पूंछ ऐसे पटपटाएगी, तो 34 फीट की बोट होती है और करीबन 40 या 50 फीट की व्हेल शार्क होती है, तो इनको डुबाने का भी डर रहता था, न तो हमारे पास लाइफ जैकेट था उस टाइम, न GPS था या कुछ ऐसा सामग्री थी। Catch the complete story of this eco savior on Amazing Indians this weekend.